नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2024 के बारे में। वो गाड़ी कब तक लॉन्च होने वाली है, क्या कुछ अपडेट्स आए हैं। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पर कि किस तरीके जो है अपनी गाड़ी रहने वाली है। लॉन्चिंग डेट नहीं बताई है किसी ने, तो वो चीज़ मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉडिफिकेशन वाला के बारे में, जहाँ से आप गाड़ियों के पार्ट्स पैन इंडिया आप मंगवा सकते हैं कहीं भी। आप बाकी मैं आपको इस वीडियो में आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर नंबर पे कॉल करके पार्ट्स मंगा सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं अपनी इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 की। तो बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस जो है अपने एक्सटीरियर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस हमको देखने के लिए इस बार मिलते हैं। जो जैसे कि सबको ही पता है अपनी जापान की गाड़ी है, तो भाई मेरे को तो बहुत ही जो है शानदार स्विफ्ट लगती है। सेफ्टी रेटिंग को बस एक बार को साइड को रख के उसके बाद मेरे को ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर्सनली भी। हमको यहाँ पर हेडलैम्प जो है वो चेंज मिलने वाले हैं, अपना एल शेप एल डीआरएल्स में वो मिलने वाली है, उसके साथ अपना एलईडी प्रोजेक्टर उसमें हमको मिलने वाला है इसके फ्रंट में। और देखा जाए तो इसके ग्रिल भी जो है वो काफ़ी चेंज है, और ये फोर्थ जनरेशन अपनी रहेगी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और पीछे से भी जो है काफ़ी ज़्यादा, और साइड से भी ग्लाइडिंग वगैरह जो है सारी चेंज है गाड़ी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। मतलब अगर ज़माने के साथ आगे बढ़ रही है मारुति सुजुकी देखा जाए तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका फ्यूचरिस्टिक जो है अपना डिज़ाइन वो रहने वाला है गाड़ी का। और साथ ही साथ जो अपनी लॉन्च डेट है वो अपनी 9th May of 2024 जो है रहने वाली है। 9 तारीख को ये गाड़ी अपनी लॉन्च हो जाएगी नेक्स्ट मंथ पे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट है मार्केट में इस गाड़ी को लेके, और एक हाइप भी है जो कि बन गई है काफ़ी टाइम से। मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है स्टार्टिंग से ही गाड़ी अपना जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है लोगों के द्वारा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात भी है ये अपनी मारुति के लिए। मारुति ओनर्स को पता था कि ये गाड़ी अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करी गई है इंडियन मार्केट में, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हमको अपग्रेड मेजर करना पड़ेगा जो कि ये गाड़ी आगे भी ऐसे ही पसंद करी जाए और ये गाड़ी ऐसे ही सेल हो, क्योंकि इस गाड़ी के जो सेल है हुआ है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर है गाड़ी का। तो इसलिए अपना इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपना चेंज हमको देखने के लिए मिला है इस बार। इंटीरियर भी और अपना गाड़ी का एक्सटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमको चेंज मिला है। अपना इस बार ड्यूल शेड जो है अपना इंटीरियर रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिंगल शेड जो थोड़ा मतलब ब्लैकिश थोड़ा वैसा लगता था गाड़ी में, वो अब इस बार जो है चेंज कर दिया गया है। बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा जैसे गोल राउंड शेप में जो है ये अपनी गाड़ी रहने वाली है, लाइक मिनी कूपर जैसे इसके जो है लुक्स वो निकल के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इसके गाड़ी के एलॉय भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसका ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है अपना प्रीमियम लुक जो है इस गाड़ी का निकल के आ रहा है। बात करें इसके इंजन की, तो वो भी हमको इस बार नया मिलने वाला है, अपना हाइब्रिड इंजन रहने वाला है। एक दो टाइप के रहने वाले, एक माइल्ड हाइब्रिड और एक फुल्ली हाइब्रिड जो है ये इंजन अपनी गाड़ी में रहने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी कमाल की चीज़ है ये। अगर इंडिया में ये हाइब्रिड उसमें आती है तो ये इंडिया की पहली हैचबैक गाड़ी बन जाएगी जो कि अपना 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है निकाल के देने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है की चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ाने वाली चीज़ भी है। जो अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है ये अपनी वैसे भी एवरेज को लेके ही मानी जाती है अपनी मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ, और साथ में जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है शायद उसको कंपनी बेटर करे पहले से, तो इस चीज़ का मैं भी वेट करूँगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी कुछ रहने वाली है इस बार। इस बार हमको इसका जो अपना एक्सटीरियर मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मिल रहा है, लाइक हमको जैसे आफ्टर मार्केट अपने हेडलैम्प्स वगैरह ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती थी, तो वो कंपनी ने इस बार खुद से ही वो चीज़ें दे दी गई हैं। ये अपनी फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट जो कि रहने वाली है गाड़ी, और इसके साथ साथ जो अपने हेडलैम्प्स हैं वो हमको चेंज मिल रहे हैं इसमें DRL एल शेप्ड, उसके साथ साथ हमको बैक में अपनी स्मोक टेल लैम्प जो है वो मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको आर्म रेस्ट भी जो है
तो भाई ये थी अपनी फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट जो कि बहुत ज़्यादा पसंद करी गई है। उसके साथ अब हमारी जो अपनी थर्ड जनरेशन रही, उसके बाद अपनी जो आई है फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट वो होके आई है कंपनी ने जो अपनी लॉन्च करी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के फीचर्स के साथ आई है इस बार गाड़ी। इसमें हमको अपनी जो अपनी ग्रिल मिल जाती है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है, थोड़ी डिज़ायर की तरह रहने वाली है इसकी जो अपनी ग्रिल है। उसके साथ साथ आपको अपने प्रोजेक्टर LED DRL L शेप वो मिलने वाले हैं। उसके साथ अपना लोगो रहने वाला है गाड़ी का, वो अपना इस बार जो है ग्रिल्स मतलब जो अपनी ग्रिल है उस पर नहीं रहने वाला है, उसके ऊपर जो बम्पर है वहाँ पर ही जो है कंपनी ने इस बार फिट करके दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है। इसके जो कलर वेरिएंट निकलने वाले हैं वो भी उस चीज़ का भी हमको जो है इंतज़ार रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें कम्फर्ट हमको बहुत ही जो है ज़बरदस्त इस बार देखने के लिए मिलने वाला है। तीन शेप के जो है हमको इसमें अलॉय मिलने वाले हैं, जो कि एक फर्स्ट अपना डायमंड कट भी रहने वाला है। उसके साथ साथ जो अपनी गाड़ी की जो शेप है वो अपनी जो अपनी पुरानी थर्ड जनरेशन स्विफ्ट है उस जैसा ही रहने वाला है। तो कंपनी ने अपना सोल जो है इस गाड़ी का वो मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ ही साथ इसका जो डोर हैंडल होता है बाहर वो इस बार चेंज कर दिया है कंपनी ने, पहले ऊपर होता था इस बार नीचे कर दिया है। वैसे मैं बताऊं तो मेरे को तो ऊपर वाला ही ज़्यादा बेस्ट लगता था। उसके साथ साथ जो अपने बैक साइड में चलें तो अपनी जो ये स्मोक्ड टेल लैंप रहने वाली है ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है। ये हमारी गाड़ी का जो बैक साइड है वो और पूरी ओवरऑल गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट। साथ साथ हम अगर गाड़ी के अंदर इंटीरियर में चलें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है अपने मेजर चेंजेस हमको देखने के लिए मिले हैं। जो अपना पहले अपना एक शेड में जो है अपनी गाड़ी आती थी उसके साथ अब जो अपनी गाड़ी आने वाली है वो ड्यूल शेड में आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा जो है अपना बलिनो जैसा जो कि अपना इंटीरियर वो काफ़ी आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस बार। काफ़ी चीज़ें जो है अपनी गाड़ी वो अपनी बलिनो जैसी लगने वाली है इंटीरियर से, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कि अपना AC वेंट जो है वो अपने बलिनो जैसे हैं एकदम सेम टू सेम। उसके साथ साथ हमको वायरलेस कनेक्टिविटी वो है हमको मिलने वाली है 9 इंच टच स्क्रीन के साथ, जो कि अपना एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ आने वाला है इसमें, तो कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त है। साथ हमको अपना जो मीटर है वो भी इस बार चेंज मिलने वाला है, छोटी सी स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको जो है अपने आर्म रेस्ट वो गाड़ी कंपनी आपको दे रही है पहले से, आपको इस गाड़ी में पूरा कम्फर्ट मिलने वाला है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीटें मिलने वाली हैं। तो भाई इतने सारे जो हैं अपने गाड़ी के में मेजर अपडेट आए हैं। ये कुछ बैक और साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके साथ साथ आपको इंटीरियर में भी कुछ ऐसे जो हैं चेंजेस मिलने वाले हैं। तो भाई मैं तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा जो है अपना इस गाड़ी के लिए एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी होंगे। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 फेसलिफ्ट की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। तब तक के लिए धन्यवाद और राम राम।